अब जैसे हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली, पोस्टिंग की बात हो गई, अब जानेंगे कि तीनों की सैलरी में क्या डिफरेंस है। सैलरी भर्ती प्रक्रिया किसकी सबसे फास्ट होती है, मतलब फॉर्म निकले और फिर फाइनल सिलेक्शन तक किसकी सबसे फास्ट प्रक्रिया होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जूनियर असिस्टेंट का आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के पद पे आप कार्य करेंगे, ऑनरेबल हाईकोर्ट में आप नहीं बैठेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तीनों में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अंतर क्या है? सबसे एक जो है बार बार आप लोगों का कमेंट आ रहा बार बार कि सर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी और डी की वैकेंसी करवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद गुप्ता और मैं जूनियर असिस्टेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। मेरे साथ में बैठे हुए हैं अमित जोशी, ये भी जूनियर असिस्टेंट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, ये मेरे सीनियर है, मतलब इनका जस्ट एक साल पहले मेरे से सिलेक्शन हुआ था। ये जो है इसके पहले यूपी पीसीएल में जूनियर असिस्टेंट थे और फिर इन्होंने यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम दिया है, इंटरव्यू था। अच्छा, तो इनको तीनों जो डिपार्टमेंट है, तीनों जूनियर असिस्टेंट में कौन सा बेटर है, ये सारी चीजें इनको पता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही जानेंगे कि विच वन इज बेटर, यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट, यूपी पीसीएल का जूनियर असिस्टेंट या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जूनियर असिस्टेंट। तो सबसे पहले इन्हें जानते हैं इनके बारे में। मेरा नाम अमित जोशी है। 2017 में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आई थी उसमें सी में मेरा चयन हुआ था और मैं वर्तमान समय में लगभग मुझे 4.5 साल हो गए हैं काम करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। उसी दौरान मेरा जो है सिलेक्शन इसमें हुआ यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट में, जिसका इंटरव्यू भी मैंने ड्यूरिंग अपनी जॉब के, जब मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब कर रहा था तभी मैंने इसका इंटरव्यू दिया। उससे पहले मेरा सिलेक्शन सबसे पहले यूपी पीसीएल की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में हुआ था, तो मैं एक तरह से तीनों डिपार्टमेंट के यूपी पीसीएल यूपी ट्रिपल एससी और इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट के पद पे लगभग दो वैकेंसियों में काम कर चुका हूँ और एक में लगभग पूरे एग्जाम की तीनों स्टेज तक मैं गया हूँ। तो मुझे जब मैं यूपी पीसीएल में जॉब कर रहा था तो मैंने एक महीने जॉब करी वहाँ पे, तो जैसे फर्स्ट डे होता है सबका, तो फर्स्ट डे में जब अपने ऑफिस में गया तो मुझे मेन जो हेड ऑफिस था वहां से ज्वाइन कराया गया। फिर मेरा जैसे इस वीडियो में बेसिकली ये जानेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तीनों में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अंतर क्या है। सबसे पहले मैं आता हूँ यूपी पीसीएल पे। यूपी पीसीएल की क्वालिफिकेशन जो उस टाइम पे थी वो अभी भी वही चलती हुई आ रही है, 10+2+CCC होना चाहिए आपका, जो कि इसमें भी जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी और उसमें यूपी ट्रिपल एससी में भी सेम ही है। यूपी ट्रिपल एससी में आपको ये है कि भाई आपके पास पेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जो है इन्होंने नया जो उन्होंने शुरू किया है पेट के थ्रू, पहले जब होता था तो इसके तीन चरण थे, पहले आप रिटर्न देते थे, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता था इंग्लिश और हिंदी दोनों का, और फिर होता था आपका इंटरव्यू। जो मैंने दिया वो उस टाइम में 2016 की वैकेंसी थी, और लेकिन अब इन्होंने पेट के थ्रू एक पेट, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम, फिर उसकी टाइपिंग के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। और विभिन्न विभिन्न जो डिपार्टमेंट हैं जो उन्होंने एक श्रेणी क्रम में बना रखे हैं उसमें वरीयता क्रम में भरने पे आपको अच्छे डिपार्टमेंट भी आपके मार्क्स के हिसाब से मिल जाते हैं आपको। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जूनियर असिस्टेंट का आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के पद पे आप कार्य करेंगे, ऑनरेबल हाईकोर्ट में आप नहीं बैठेंगे। आप जो है जो जिलों में न्यायालय होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय उसको बोलते हैं, उसमें आप जूनियर असिस्टेंट होते हैं, उसी में कार्य करेंगे। तो उसी तरह अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तो जो उत्तर प्रदेश सरकार की डिफरेंट डिपार्टमेंट आप बताइए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ चयन सेवायोग और इनका जो PWD और राजस्व परिषद, DM ऑफिस, कलेक्ट्रेट, इन सभी में होता है। और यूपी पीसीएल में आपको दिए जाते हैं विद्युत वितरण खंड जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं
कि सब डिवीजन इंग्लिश में जिसको हम बिजली विभाग एक तरह से बोलते हैं, तो यूपी पीसीएल में केवल बिजली विभाग, बिजली विभाग नहीं। लेकिन अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में आते हो तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपस में ट्रांसफर भी होता होगा जी, मतलब कि जो डीएम ऑफिस में आया कल जो है वो किसी दूसरे जैसे सचिवालय पहुंच जाए, ये बहुत ही मतलब रेयर देखने मिलता है। जैसे आप पेंशन विभाग में शुरुआत से लग गए तो आपको नगर निगम में आपकी मतलब जरूरतों के हिसाब से अगर मान लीजिए वहाँ पे स्टाफ की कमी हो रही है तो आपका मतलब स्थानांतरण कर दिया जाता है, वो एक म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब जैसे हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली, पोस्टिंग की बात हो गई, अब जानेंगे कि तीनों की सैलरी में क्या डिफरेंस है। सैलरी यूपी पीसीएल की 2600 ग्रेड पे से आपकी शुरू होती है और उसका पहला प्रमोशन जो है 4200 ग्रेड पे होता है। अच्छा, आप जो है जूनियर असिस्टेंट के मतलब सहायक कनिष्ठ सहायक से आप वरिष्ठ सहायक पे या उसे कहते हैं कि वरिष्ठ लिपिक पे आपका प्रमोशन होता है पहला। अच्छा। लेकिन वो प्रमोशन टाइम टेकिंग है, लेकिन उसकी जो शुरुआती सैलरी है अराउंड अब के हिसाब से 32000 समथिंग कुछ बनती है। यानी यूपी पीसीएल पे कोई बंदा सेलेक्ट होता है यूपी पीसीएल में 2600 ग्रेड पे, उसकी 32000 स्टार्टिंग रहेगा। और फिर मैं अगला प्रमोशन कितने साल में मान लूं? अगला प्रमोशन डिपेंड करता है आपके कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और जो वैकेंसीज ऊपर हैं वो कम ही होती है, क्योंकि जो वरिष्ठ लिपिक लगाए जाते हैं वो मेन जो हेड ऑफिस होता है शक्ति भवन का मेन ऑफिस है या फिर हर जिले में उनका एक जो है जहाँ पे ई साहब बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बैठते हैं, ईएक्सीएन जो बैठते हैं, तो उनके ऑफिस में जो जरूरत पड़ती है तो वो वरिष्ठ लिपिक जाते हैं, तो उसमें भी मान लीजिए प्रमोशन में बहुत ही टाइम समय लगता है, प्रमोशन होने में 10 साल लग सकते हैं, 12 साल लग सकते हैं, वो तो उस हिसाब से। ये आप यूपीपीसीएल में बता रहे हैं, यूपीपीसीएल का ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में भी प्रमोशन का इतना ज्यादा कोई खास स्कोप है नहीं, वो भी जो है प्रमोशन अपने हिसाब से ही होता है उनका। जबकि आप अगर कंपेटिवली हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट की वैकेंसी देखें तो अब जो है जब से वैकेंसी जो है 2015 से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने हाथों में लिया है, रिक्रूटमेंट सेल के थ्रू होती है वैकेंसी, तो उसमें जो है हमसे जो सीनियर बैच के बच्चे थे उनका प्रमोशन जो है 3.5 साल में हो गया। अच्छा। और सुनने में आ रहा है कि उसके बाद की वैकेंसी में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका भी प्रमोशन होने को ही है, 5.5 साल 4.5 साल की नौकरी में उनको प्रमोशन होने वाला है। तो एक तरह से अगर हम कंपेयर करें तो ऑनरेबल हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है जो जूनियर असिस्टेंट है उनका प्रमोशन जो है दूसरे की तुलना में ये जो अदर यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीसीएल है उनसे फास्ट है। जी फास्ट है। अब हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी कितने कितने सालों में आती है, मतलब कि हर साल आती है वैकेंसी, या अगर बात करें कि वैकेंसी पहले हम देखते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट की वैकेंसी देख लीजिए, जैसे हमारी 17 की वैकेंसी थी, ज्वाइनिंग हमें 19 में मिली, उसके बाद आपके बैच की वैकेंसी जो है वो एक साल बाद ही आ गई थी, 18 में हो गई थी, और आपकी ज्वाइनिंग भी हम लोगों की ज्वाइनिंग से 6-7 या 9 महीने का ही अराउंड गैप है। लेकिन फिर हम लोग वेट करते रहे कि वैकेंसी आ जाएगी, अब आएगी, सुनते भी रहे कि वैकेंसी आती है, बीच में कोविड भी आया, लेकिन उसके बाद वैकेंसी उन्होंने 2022 में थी। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि इसकी इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये हर साल आएगी, जैसे पहले 2017 में वैकेंसी आई, उसके जस्ट बाद 2018 में वैकेंसी आई, फिर ना 19 आए, ना 20, ना 21, सीधा 2022 में वैकेंसी आई। ठीक है, तो ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी में भी है, उसका भी कोई फिक्स नहीं है, यूपी पीसीएल का भी कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि भर्ती प्रक्रिया किसकी सबसे फास्ट होती है, मतलब फॉर्म निकले और फिर फाइनल सिलेक्शन तक किसकी सबसे फास्ट प्रक्रिया होती पिछली है? दो भर्ती प्रक्रियाओं में ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है वो जल्दी फाइनल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो वैकेंसी, अगर हम ये 2022 की बात करें, 2022 वाला विदिन सिक्स मंथ हो गई थी इसकी ज्वाइनिंग हो गई थी और बच्चे सब काम कर भी रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसफर प्रक्रिया किसमें फास्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में या फिर यूपी ट्रिपल एससी में या फिर यूपीपीसीएल में? यूपीपीसीएल में जैसे मेरे साथ जो लड़कों ने ज्वाइन किया था उनके ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा। उनके ट्रांसफर अपने आसपास के जनपद में या फिर उनके खुद के जनपद में हो चुके हैं, तो मैं यही कहूंगा कि उसमें ट्रांसफर की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है। अब जो है वर्कलोड के बारे में ही बात कर लेते हैं कि वर्कलोड कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा है।
वर्कलोड की अगर बात करें तो सबसे रिलैक्स जो मुझे डिपार्टमेंट लगता है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी जे बनते हैं उनमें वर्कलोड कम है। हालांकि मैंने उस डिपार्टमेंट काम नहीं किया लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं उसमें कार्य करते हैं तो वो बताते हैं कि कुछ विभागों को छोड़ के बाकी अन्य विभागों में इतनी कार्य अधिकता नहीं है कि मानसिक तनाव है या फिर कार्य करना ही है या फिर उनके ऊपर कोई प्रेशर है इस चीज़ का दबाव उनके दबाव के घेरे में वो काम करते हैं ऐसा कुछ नहीं। यूपी पीसीएल में कुछ योजनाएं जो चलती रहती हैं सरकार की उस वजह से उन्हें कभी ना कभी कैंप लगा के ऐसे बिल का भुगतान करवाना या फिर उन्हें फ्री मीटर वितरण करवाना ये सब भी बाबुओं के निगरानी में ही काम होते हैं तो इस वजह से थोड़ा यूपी ट्रिपल एससी के कंपेरेटिवली वहाँ पे थोड़ा कार्य अधिकता अधिक है। लेकिन अगर आप बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तो आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे वाद जो है विचाराधीन चलते रहते हैं इस वजह से कार्य अधिकता होती है क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत कम है हमारे डिपार्टमेंट में। लेकिन जो चैलेंजिंग एटमॉस्फियर होता है कि आप नई नई चीजें कैसे एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे इस विभाग में देखिए अदर डिपार्टमेंट की तुलना में जूनियर असिस्टेंट जो ऑनरेबल हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तो देखा जाए तो सही बात है कि यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप एक रुतबा की बात करते हैं जहां तक मैंने फील किया अगर मैं किसी से भी बताता हूं कि मैं हाईकोर्ट में ऑनरेबल हाईकोर्ट में मैं एज अ जूनियर असिस्टेंट काम करता हूं तो मतलब एक अलग नजरिया होता है उनका। और मैं मानता हूं मतलब अगर अगर आप बिजली विभाग बताते हो या कोई और डिपार्टमेंट बताते हो मुझे नहीं लगता कि इतने आपको लोग वरीयता देते हैं। तो बेसिकली देखें हम तो इस डिपार्टमेंट में यह है कि आपका मतलब डेली जो है पुलिस डिपार्टमेंट से भी आपके सारी चीजें मतलब कागजों का आदान प्रदान ये सारी चीजें होती है। ऑफिस से भी आपका आदान प्रदान और सारी चीजें डीएम ऑफिस से कलेक्ट्रेट से और एसडीएम ऑफिस से खनन अनुभाग से और बिजली विभाग से सब चीजें सारे डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं जो है कोर्ट कनेक्टेड होता ही है। तो एक तरह से मैंने ये देखा जैसे पहले लोग पुलिस वुलिस को देख के बिल्कुल डर जाते थे ठीक है अब वो फीलिंग नहीं आती है। अब हमें उन्हें देख के फील होता है कि यार ये बिल्कुल हमारे जैसे ये भी है जैसे एक नहीं पहले एक डर सा बना रहता था वो चीजें अब नहीं रही। कोर्ट जो कोर्ट का काम होता है वो पुलिस प्रशासन और न्याय प्रशासन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हो पाता है ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि तीनों मतलब यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीसीएल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जूनियर असिस्टेंट की तुलना हमने इसमें करा ठीक है। तीनों में किसी में कुछ खामियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं और इसी तीनों को समराइज करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इस टाइम आप की अगर योग्यता है जिसमें भी आपका अगर हो जाता है तो उसको मन से कीजिए। कोई भी डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता है मेरा मानना है कि कुछ मतलब हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है ठीक है। किसी भी कार्य के द्वारा अगर आप देश हित में कुछ कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए मतलब संतुष्टि भरा काम है आपको मतलब। लेकिन अगर आप रिप्यूटेड एक जॉब की तरफ देखते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो होती है उसे मन से तैयारी करिए और फिर आप उसका रुतबा देखिए ठीक है आप करके देखिए। अच्छा एक जो है बार बार आप लोगों का कमेंट आ रहा है बार बार कि सर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी और डी की वैकेंसी कब आएगी तो इस बारे में अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है ठीक है क्योंकि जैसे ही स्टाफ की कमी होती है तब वैकेंसी तब जाके वो भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऑनरेबल हाईकोर्ट को कि तो जाके वो बनता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ इस बारे में अभी हमारे पास चर्चा भी नहीं हो रही है कुछ चर्चा भी नहीं हो रही है। तो अभी अगर आप लोग इसी वैकेंसी के लिए बैठ के मतलब वेट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आप बस सब्जेक्ट देखो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम के लिए लगता है वो आपको आता है सारे लगभग कॉमन सब्जेक्ट्स हैं तीनों में लगभग कॉमन है। तो भाई अभी मुझे लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम शायद होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का। तो अगर आपके पास पेट की वो सर्टिफिकेट है और तैयारी सेम वही चीज करना है ठीक है टाइपिंग अब हर एक एग्जाम में हम देख रहे हैं कि भाई मस्ट कर दिया है तो भाई आप बिल्कुल सीखिए। अगर नहीं आ रहा है टाइपिंग तो आपको आनी चाहिए क्योंकि टाइपिंग कोई कठिन चीज नहीं है। अगर आपको लगता है तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एक दो अब उसको देखिए आप समझ जाओगे कि मुझे लगता है कि मैंने सारे जो डाउट्स थे जो भी चीजें थी जो भी पॉइंट्स थे इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई कुछ चीजें रह गई हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में कमेंट कीजिए और या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आप कर सकते हो पर्सनली अगर मुझसे आप बात करना चाहो। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच बाय।